हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। तो एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो सेल्फ कंडेंसेशन में जाता है और फॉर्म करता है एक इंटरमीडिएट जिसका नाम होता है एल्डोल। अच्छा, एल्डिहाइड के केस में इसको एल्डोल बोलते हैं, कीटोन के केस में इसको कीटोल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कौन सा, एल्डिहाइड का, और आइए देखते हैं क्या होता है इसका प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट। तो चलिए देखिए, इसमें होता क्या है कि 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड होता है जिसमें 1 फर्स्ट मोल 1 मोल फर्स्ट सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और दूसरा वाला जो होता है वो हमेशा अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। तो मैं फर्स्ट वाला सबस्ट्रेट की तरह ले रहा हूँ और दूसरा वाला अटैकिंग रिएजेंट की तरह ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसके बिना ये कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो होगा क्या, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड है और इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के बगल वाला हाइड्रोजन जो है वो कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, वो जो H प्लस के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। तो देखो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये पार्शियल पॉजिटिव इस पे आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। अच्छा, ये जो पार्शियल नेगेटिव होता है वो होता क्या है, जब ये सबस्ट्रेट की तरह होगा तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव डेवलप होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव डेवलप होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो H प्लस है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पूरा हाइड्रोजन अटैक कर जाएगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। और जब इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये तो OH बन जाएगा और ये बॉन्ड देख रहे हैं आप कि सबस्ट्रेट की तरह है, ये तो टूट चुका होगा। अब उसके बाद क्या होगा, इसपे जो पार्शियल नेगेटिव आया है, इसपे जो पार्शियल पॉजिटिव आया है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएंगे। और जब अटैच हो जाएंगे तो आइए देखते हैं इसका इंटरमीडिएट क्या बना है। इंटरमीडिएट देखिए, आइए देखते हैं हम लोग, ये है CH3। ये किसके प्रेजेंस में हुआ था, मैंने बताया था आपको, डाइल्यूट NaOH, KOH या BOH ट्वाइस कोई यूज कर सकते हैं, मैंने NaOH यूज किया है। अच्छा, इसका जो इंटरमीडिएट आया वो आया CH3CHOH, आपको दिख भी रहा होगा CH3CH और OH, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहां जुड़ गया। अब ये पूरा मॉलिक्यूल लाके इससे जोड़ दीजिए, अब जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा CH2 सी डबल बॉन्ड O और ये H। मतलब अच्छा, इसमें है क्या, ये देखिए, ये है एल्डिहाइड और ये है एल्कोहल। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बना है इसका नाम है एल्डिहाइड भी है, एल्कोहल है, इसके इंटरमीडिएट का नाम है क्या, एल्डोल। अच्छा, एल्डोल तो है, लेकिन अगर मान लो इसको हम हीट कर दें या इसमें एसिड डाल दें, हीट करें या एसिड डाले, तो ये क्या कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा। और कंडेंसेशन क्या होता है, किसी बहुत बड़े मॉलिक्यूल से अगर एक छोटा मॉलिक्यूल निकल जाए, जैसे वाटर निकल जाए, अमोनिया निकल जाए, तो हम लोग बोलते हैं इस प्रोसेस को कंडेंसेशन। अब आइए कंडेंसेशन में क्या होने वाला, ध्यान दें, कंडेंसेशन में क्या होगा कि ये बन जाएगा, ये अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा पोजीशन से OH निकलेगा। तो ये जो डिहाइड्रेशन होगा वो अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन कहलाता है और यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO, दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब जो है ध्यान दें ये जो बना प्रोडक्ट इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ब्यूट, 2 पे इन है आपको दिख रहा होगा और अल, कैसे देखिए 2 पे इन है और एल्डिहाइड को हम लोग अल बुलाते हैं, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसका कॉमन नेम होता है क्रोटेनल्डिहाइड। क्या नाम होता है, क्रोटेनल्डिहाइड। ये हो गया इसका क्या, प्रोडक्ट। थैंक यू।